हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक सिंपल प्लाजो बनाना, जो कि मैंने एक दुपट्टे से बनाया है और काफ़ी फुल घेर का ये प्लाजो बना है दुपट्टे से। चलो बनाना सीखते हैं। ये मेरा कॉटन का दुपट्टा है, जो इसकी लेंथ है ये 2.25 मीटर का है। ये दुपट्टा 2.25 मीटर का, उस 2.25 मीटर में हम 39 इंच का प्लाजो बनाएंगे। तो प्लाजो बनाने के लिए देखिए पहले इसका मेजरमेंट देख लेते हैं। जो तैयार लेंथ होगी प्लाजो की वो होगी 39 इंच। तो 39 इंच में मैं 3 इंच ऐड कर लूँगी तो हो जाएगा 42 इंच। जो कपड़ा रखना है वो 42 इंच का रखना है। कमर लेनी है 44 इंच, 44 इंच का चौथाई भाग हुआ 11 इंच, और हिप्स 44 इंच और चौथाई भाग जब 11 होगा तो इसमें मैं 3 इंच ऐड करूँगी तो ये 14 इंच हो जाएगा। वो मैं आपको कटिंग में बताऊंगी किस तरह से ऐड करना है। और आसन 15 इंच, वैसे तो आसन 13 या 13.5 इंच का रखते हैं पर मैं 15 इंच का रखूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा बड़ा सा आसन बनाना है इसमें। तो चलो दुपट्टे से प्लाजो बनाना सीखते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से अपने ये जो मेरा दुपट्टा है इसको रख लिया है, जो इसकी लेंथ है डबल करके, इस तरह से डबल करके जो लेंथ है तो वो है 42 इंच। तो इस तरह से ये मैंने 4 तह में रखा है फोल्ड करके। और इस तरह से देखिए सबसे पहले मैं नेफे का निशान लगाऊंगी 2 इंच पर, नेफे का निशान 2 इंच पर इस तरह से, और यहाँ पर एक लाइन खींच लूँगी इस तरह से, और नीचे की साइड मोहरी में इस तरह से 1 इंच निशान लगाऊंगी, और इस साइड भी इस तरह से लाइन खींच लूंगी क्योंकि ये सिलाई में आएगा अंदर को। और इस तरह से देखिए यहाँ तक मैंने कमर की लेंथ जो रखी है वो 44 इंच है, 44 इंच का चौथाई भाग हुआ 11 इंच, और इस तरह से आसन 15 इंच, चाहे तो आप 13.5 इंच भी ले सकते हो पर मैं 15 इंच लूँगी। और फिर इस तरह से 11 इंच पर निशान लगाएंगे हिप्स का, 44 इंच का ये चौथाई भाग है 11 इंच। तो इस तरह से अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि हिप्स में 3 इंच लेंथ किधर की साइड को ऐड करनी है। तो देखिए मैं इस साइड को यहाँ से 3 इंच का निशान लगाऊंगी इस तरह से, देखिए ऐसे, और यहाँ पर भी इस तरह से लाइन खींच लूंगी और 3 इंच तक इस तरह से, और यहाँ पर हल्के से इस तरह से राउंड शेप देंगे, और फिर यहाँ से जहाँ 3 इंच का मैंने निशान लगाया था यहाँ से यहाँ तक इसको इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे, मिला देंगे नीचे की साइड तक। देखिए एकदम प्लाजो जो बनाना है वो काफ़ी आसान है। 2.25 मीटर कपड़े में 39, 39 से 40 इंच तक का ही प्लाजो बनता है। और इस नीचे से भी देखिए हल्की सी मैंने गोलाई दे दी है खुली साइड इस तरह से, खुली साइड की साइड, और ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक हम कटिंग कर देंगे। और ये तो जो मैंने पहले निशान लगाया है ये तो सिलाई का निशान है, और ये जहाँ मैं ये आधा आधा इंच आगे को निशान लगा रही हूँ ये कटिंग का निशान है। तो जहाँ मैंने ये दूसरा निशान लगाया है हमें कटिंग यहाँ पर करनी है। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी इस तरह। देखिए कितना आसान है कटिंग करना भी। ये देखिए जहाँ जहाँ मैंने निशान लगाया था वहाँ वहाँ पर मैंने ये इसको कटिंग कर दिया है। देखिए ये इस तरह का हो गया। अब इस तरह से देखिए इसको खोलेंगे, पहले ये जो एक साइड बंद थी इसको भी मैं आसन की तरफ से इसको भी इस तरह से अलग कर लूंगी, इसको भी मैंने अलग कर लिया। अब देखिए ये ऊपर से ऐसे आएगा और नीचे से ऐसे। अब इसको इस तरह से देखिए खोल लेंगे सारे को।
इस तरह से और दोनों को इस तरह से रखना है और दोनों साइड इस साइड आसन पर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से देखिए दोनों आसन पर सिलाई कर लेंगे दोनों साइड से। इस तरह से देखिए और ये दूसरी साइड भी सिलाई कर लेंगे। जो ये मेरा दुपट्टा था इसकी लेंथ भी काफ़ी थी और जो इसकी चौड़ाई थी वो भी काफ़ी थी, तो इसलिए इसमें बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा फुल घेर का प्लाजो बना है। ये देखिए मैंने दोनों साइड की सिलाई कर ली है ऐसे देखिए, अब नीचे की साइड भी जो मोहरी की है उस पर भी सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हल्का सा मोड़ेंगे ऐसे, ऐसे मोड़ मोड़ करके सिलाई कर लेंगे पोछों की गोलाई पर। जब हम पोछों की नीचे की साइड से आधा आधा इंच गोलाई में कटिंग कर देते हैं तो जो है वो शेप बहुत ही अच्छी आती है पोछों की प्लाजो में। अब इस तरह से दूसरे पोछे पर भी मैं सिलाई कर लूँगी इस तरह से। ये जो मेरा कपड़ा है ये थोड़ा स्ट्रेचेबल कपड़ा है खींचने वाला, तो इसलिए मैं इसको बहुत ही आराम आराम से सिल रही हूँ जैसे इसमें झोल ना आए। तो ये देखिए मैंने इसके पोछों की गोलाई पर भी सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरह से रखना है और जो ये थोड़ा सा ऐसा हो रहा है ये प्रेस करके ठीक हो जाएगा। अब यहाँ से आधा इंच रखेंगे और सिलाई कर देंगे। इस तरह से आप पुराने जो दुपट्टे होते हैं उनका यूज भी कर सकते हो प्लाजो बनाने के लिए। इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है देखिए। मैंने एक अपनी बेटी का प्लाजो बनाया था 8 साल की लड़की के लिए प्लाजो कैसे बनाए, तो उस पर भी मेरे अच्छे खासे व्यूज आए हैं। अगर वो आप वीडियो देखना चाहते हो तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप सबका उस पर मुझे बहुत ही सपोर्ट मिला है, वो भी सिंपल प्लाजो ही है पर वो छोटी बच्ची के लिए बनाया था मैंने। अब इसका इस तरह से नेफा बना लेंगे। नेफे पर पहले इस तरह से प्लास्टिक रख कर देखेंगे और निशान लगा लेंगे कि जितनी भी हमारी प्लास्टिक की लेंथ है वो इस तरह से देख लेंगे और फिर इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगा करके नेफा बना लेंगे। इस तरह से और यहाँ से थोड़ा सा पोर्शन नेफे में खुला रखेंगे इलास्टिक डालने के लिए।
अब यहीं से हम इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक वैसे तो इसमें इतनी जो ये चौड़ा वाला इलास्टिक आता है वो डाला जाता है, पर इस टाइम मेरे पास वो है नहीं, तो मैं इसलिए ये पतला सा और ये भी मैंने एक पुराने प्लाजो में से निकाला है, तो ये इसी का मैं यूज इसमें करूँगी। अभी तो आपको दिखाने के लिए फ़िलहाल, और फिर बाद में मैं इसमें बड़ा वाला इलास्टिक ही डालूँगी। तो जो इसकी लेंथ है वो है देखिए 28 इंच। तो आप जितनी भी आपकी कमर हो, कमर से पहले कमर को नाप करके उस कमर की लंबाई से 4 इंच कम ही इलास्टिक लीजिए, वो सबसे अच्छा इलास्टिक नापने का तरीका है। तो एकदम इलास्टिक जो होती है वो परफेक्ट आएगी। और इस तरह से इसको डाल लेंगे इलास्टिक को, ये देखिए मैंने डाल लिया है। अब जो इस तरह से पहले हम ये देख लेंगे इसको अलट पलट के कि ये एक ही सीध में होनी चाहिए इलास्टिक। इस तरह से जो भी आप कहते हो इलास्टिक रबड़, इस तरह से फिर इन दोनों को ऊपर नीचे रख करके 3-4 बार सिलाई कर लेंगे जैसे ये मजबूत हो जाए। ये देखिए मैंने इस पर सिलाई लगा ली है। अब इसको इस तरह से करेंगे और फिर जो ये खुला हुआ पोर्शन था इस पर भी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से ये एकदम मेरा प्लाजो बन के तैयार है। पर अभी इसमें एक काम हो रहा है, जो ये आसन वाली सिलाई है इस तरह से इसको भी ऊपर की साइड से सिलाई से के ऊपर ऊपर इस तरह से एक और सिलाई कर लेंगे राइट साइड से प्लाजो के, बैक साइड से नहीं करनी। तो ये देखिए मेरा प्लाजो बिल्कुल तैयार है, मैंने सिलाई कर ली है आसन पर भी। और ये देखिए कितना बढ़िया और कितना अच्छा, और ये काफ़ी इसमें काफ़ी घेर बना है, ये देखिए अच्छा फुल घेर का ये मेरा प्लाजो बना है, एक वो भी एक दुपट्टे से। ये देखिए एकदम इसका कपड़ा भी जो है वो काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा है, ये ऐसे देखिए एकदम बढ़िया सा प्लाजो बना है। इस तरह से आप अपने दुपट्टे से, जो कॉटन के दुपट्टे हैं उनसे प्लाजो पैंट बना सकते हो। आप ऊपर इलास्टिक के ऊपर भी सिलाई कर सकते हो, पर मैंने नहीं की क्योंकि अभी मुझे इसमें इलास्टिक दूसरी डालनी है। ये देखिए बनने के बाद कितना प्यारा मेरा प्लाजो लग रहा है, और पहनने के बाद भी ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।